पे गाइस देख सकते हैं एंट्री करते हैं। सबसे पहले ये देख रहे हैं ये दलित स्मारक बनाया गया है, ये दलित स्मारक है और इसके जस्ट सामने ये देख सकते हैं यहाँ पे हाथी बनाए गए। ये देखें फवारे, ये देखें ये फवारे दिख रहे हैं और शाम के टाइम होता है तो इसमें से पानी निकलता है। ये जो हाथी का सूंड दिखता है देख रहे हैं आप लोग, इसके बीच से ये पाइप को पीछे जो बीच में दिख रहे हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है और बगल में इनके जो दिख रही हैं वो मायावती जी है और एक ये जो है इनको तो नहीं पहचानते हैं, आप लोग पहचानते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करें। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम आ चुके हैं नोएडा का सबसे बड़ा पार्क है और यहाँ ये पार्क ही बहुत दिनों से हम भी सोच रहे थे आने के लिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है और बहुत ही इसका नाम है नोएडा में, नोएडा का सबसे बड़ा पार्क है और यहाँ पे आके सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। ये देख सकते हैं पूरा ये गेट बनाया गया है और इसे यहाँ पे लगभग बहुत 3-4 गेट है यहाँ पे एंट्री करने के लिए। अभी तो हम यहाँ पे गेट नंबर 5 पे खड़े हैं, यहाँ पे गेट नंबर 5 पे खड़े हैं और अभी यहाँ पे देख सकते हैं पीछे यहाँ पे ये बाइक स्टैंड है, यहाँ पे आप अपनी बाइक पार्किंग कर सकते हैं और आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस ये है, यहाँ से एंट्री करेंगे, ये गेट है एंट्री, यहाँ से भी ये गेट बना है, बड़ा गेट बंद है, यहाँ से एंट्री होगा और जस्ट ये इसके साइड में ये टिकट काउंटर ये देख सकते हैं और यहाँ पे ये देख सकते हैं बाइक स्टैंड है, यहाँ पे अपना बाइक पार्क कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी बाइक की। और जस्ट इसके दूसरे साइड भी टिकट काउंटर ये देख सकते हैं, यहाँ भी टिकट काउंटर है, यहाँ से भी आप टिकट ले सकते हैं। और बाकी ये देखें एक बार इसका व्यू आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखें और अभी हम चलते हैं अंदर और फिर आप लोगों से अंदर बात करते हैं। चले चलते हैं अंदर, यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं और फिर आप लोगों का टिकट प्राइस भी बताते हैं। फाइनली गाइज हम आ चुके हैं अंदर, ये देख सकते हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइज यहाँ पे, और ये देख सकते हैं कितना इसका जो टाइल्स है कितना शाइनिंग कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा सफाई है और यहाँ पे, और ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मेंटेनेंस है यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत ये दिख रहा है। और आपको बता दूँ कि यहाँ के एंट्री फी बहुत ही कम है भाई, जो जितना ये खूबसूरत है और जितना अच्छा ये प्लेस है घूमने के लिए उस हिसाब से टिकट प्राइस बहुत कम है। आपका यहाँ का टिकट प्राइस मात्र 15 रुपये है और टिकट आपको ऑफलाइन ही मिलेगी, ऑनलाइन आपको टिकट नहीं मिलेगा। और बाकी अभी अंदर आए हैं आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं पूरा ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये दलित स्मारक बनाया गया है और इसको मायावती के द्वारा बनाया गया है। तो अभी चलिए हम आपको पूरा दिखाता हूँ और इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ एक बार और एक एक करके आपको पूरा दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है, सब आपको दिखाते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग बस वीडियो देखते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। तो आप लोग कृपया आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर किया करें। और आपको बता दूं कि ये 14 अक्टूबर 2011 को इसको बनवाया गया था और इसको मायावती जी यहाँ के जो मुख्यमंत्री थी यूपी के उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बनवाया है मायावती जी ने, और इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं पूरे हाथी बनाया गया है, ये देख सकते हैं। और चलिए हम आपको दिखाते हैं एक एक करके, सब एक्सप्लेन करते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या है, सब दिखाते हैं आप लोगों को। गाइस देख सकते हैं एंट्री करते हैं, सबसे पहले ये देख रहे हैं ये दलित स्मारक बनाया गया है, ये दलित स्मारक है और इसके जस्ट सामने ये देख सकते हैं यहाँ पे हाथी बनाया गया है, ये देखें जो कि मायावती जी का चुनाव चिन्ह जो होता है हाथी छाप है ना उनका, इसलिए देख सकते हैं पूरा हाथी बनाया गया है और दोनों साइड पूरा बनाया गया, ये देख सकते हैं उधर भी बनाया गया है हाथी और ये सामने स्मारक है। हम चलते हैं उसके ऊपर, आपको स्मारक दिखाते हैं। और ये पहले कहा ऐसा कहा जाता है कि इसको बनाया गया है, सबसे पहले आप एंट्री करेंगे तो यही मिलेगा आप लोगों को। चलते हैं ऊपर देखते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं लिखा है राष्ट्रीय दलित स्मारक का लोकार्पण सुश्री मायावती जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा शुक्रवार दिनांक 14 अक्टूबर 2011 को सम्पन्न हुआ, ये देख सकते हैं। और ये है सीढ़ियाँ, अभी ऊपर चलते हैं, ये देख सकते हैं कितना शाइनिंग कर रहा है ये, बहुत ही और बहुत ही क्लीन है यहाँ पे बिल्कुल, देख सकते हैं आप लोग। और इधर डस्टबिन भी साफ रखा हुआ है कचरा के लिए, ये देख सकते हैं इधर से भी ऊपर जाने के लिए जगह है और इधर से भी है, सीढ़ियाँ बनाई गई दोनों साइड से। और यहाँ पे ये देखें कितने खूबसूरत पत्तियाँ, ये पत्तियाँ बनाई गई, ये देख सकते हैं आप पेड़ की, और इसके अंदर ये हाथी, ये देख सकते हैं हाथी बनाई गई है, ये देख सकते हैं आप। चलिए अब हम भी यहाँ पे कन्फ्यूज है, इधर से जाएँ या इधर से जाएँ, दोनों साइड इधर से ही चलते हैं पहले, हमारे सुनील भाई इधर से चल रहे हैं तो हम इधर से ही चलते हैं भाई, सुनील भाई की बात मानते हैं। भाई ये देख सकते हैं ये नाली बनाया गया है, इतना चमकदार और इतना खूबसूरत नाली मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग इतना चमक रहा है ये नाली और इतना साफ है। और ये देखें यहाँ से ये स्मारक बनाया गया है पूरा, ये चारों तरफ से ये रास्ते बनाए गए हैं, ये ऊपर स्मारक है, चलते हैं ऊपर स्मारक की तरफ
और यहाँ से फिर ऊपर एक और सीढ़ी, ऊपर एक और सीढ़ी चलना पड़ेगा। और पता नहीं यहाँ पे देखें कोई बोतल फेंक दिया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये लोग बहुत सब लोग आए घूमने के, सब बैठे हुए देख सकते हैं। और सामने ये गेट दिख रहा है वो जो बंद है, उसके अंदर लग रहा है कोई ऐसा मूर्ति होगा ऐसा लग रहा है उसमें। देखते हैं, चलते हैं, पता करते हैं वहाँ पे आके रहा है क्या, वो बंद क्यों रखा गया है। और इधर देख सकते हैं पूरे लोग आके बैठे हैं, अच्छा है, बहुत है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए यहाँ पे सभी लोग आराम कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और इधर इसका पूरा नज़ारा देखें यहाँ पे एक बार, जैसे ये देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे अंदर मेंटेनेंस चल रहा है, अंदर जो गुम्बद है उसका मेंटेनेंस चल रहा है, इसकी वजह से ये बंद करके रखा गया। इसमें एंट्री अभी नहीं है तो अभी अंदर नहीं जा सकते। और अंदर आपको बता दूं कि अंदर भी हाथी की मूर्ति बनाई गई है और मायावती जी का फोटो लगाया गया है, तो अंदर भी यही सब है। और बाकी इधर देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया, ये देखें। और ये कितना बड़ा दरवाज़ा है ये देख सकते हैं आप लोग, ये लकड़ी का बनाया गया, देखें। और बाकी इधर का नज़ारा देखें एक बार, ये पूरा ये नोएडा का, ये देख सकते हैं आप लोग। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हम नीचे से दरवाजा ही नीचे थोड़ा सा जगह वहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे। वो पीछे जो बीच में दिख रहे हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, और बगल में इनके जो दिख रही हैं वो मायावती जी है। और एक ये जो है इनको तो नहीं पहचानते हैं, आप लोग पहचानते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करें। बाकी ये देख सकते हैं कितना सुंदर है, ये देखें आप लोग को एक बार दिखाता हूँ और अंदर डाल के, ये देखें अभी बंद है तो इसलिए गेट तो बंद है, हम लोग नीचे से हाथ डाल के बना रहे हैं वीडियो, ये देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए आप लोग। और ये एक बार गुंबद दिखा रहे हैं, ये देखें गुंबद कितना ऊंचा बनाया गया है। यही नीचे जो दिख रहा है थोड़ा सा जगह, यहीं से बनाए हैं वीडियो, ये देखें इसके नीचे हाथ डाल के। गाइस यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हैं। और ये कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पे, देखें ये मीनार कितना ऊंचा, ये गुंबद ये देखें। और पीछे ये देखें, ये सारे लोग आए, सारे लोग बैठ के, अभी धूप बहुत ज़्यादा है, अभी 12 बज रहे हैं दिन के, तो धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आराम कर रहे हैं छाया में, छाया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और अभी चलते हैं नीचे और भी आपको कुछ दिखाते हैं यहाँ पे, और कुछ मिलता है तो अभी तो यहाँ पे बहुत कुछ, ये बहुत ही बड़ा पार्क है ये, अभी बहुत कुछ आप लोगों को दिखाना बाकी है। चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं क्या करके आए। तो गाइस यहाँ पे ये लोग रील्स बना रहे हैं, ये देखें यहाँ पे रील्स बन रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग रिहर्सल कर रहे हैं यहाँ पे। और इधर देख सकते हैं सारे इन्फ्लुएंसर है भाई, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है सब लोग, ये देखें यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए रील्स बनाते हैं ये लोग सब। और इस साइड ये देख सकते हैं यहाँ से पूरा ये हाथी पूरा दिख रही है, कितना पूरा दिख रहा है। और ये इसका ग्राउंड ये देख सकते हैं आप लोग, और ये पूरा यहाँ से ये रास्ते बनाए गए हैं पूरा एकदम, ये कैसे चमक रहा है पूरा, और ये पूरे चारों तरफ से बनाया गया है। और इधर अभी देख सकते हैं इधर मेंटेनेंस का काम चल रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं गाइस इस पे कबूतर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, देख रहा हूँ आप लोगों कबूतर बहुत ज़्यादा, ये देखें यहाँ पे ये कबूतर बैठे हैं और पूरा ऊपर चारों तरफ कबूतर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा कबूतर है यहाँ पे, ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पे। और ये जो आप लोगों का बिल्डिंग दिख रहा है ये सबसे बड़ा, वहाँ तक ये पूरा पार्क है, आप लोग जाएंगे ये बीच में आप लोग को एक रोड भी मिलेगा, रोड क्रॉस करके फिर इसी का दूसरा आगे भी पार्ट है, आप लोग उधर भी जाएंगे, उधर पूरा पार्क है, आप लोग उधर भी घूम सकते हैं। अभी गाइस हम आ चुके हैं नीचे, ये देख सकते हैं अभी हम यहाँ से आए नीचे, ये देख सकते हैं। और इसके सामने ये देखें हाथी बनाया गया है, ये दोनों इसके ऐसे दोनों साइड बनाया गया है, ये देखें हाथी। और पहले इसके हाथी बना के ये चबूतरा बनाया गया है, ये ब्लैक स्टोन का, ब्लैक पत्थर का। और ये देख सकते हैं ये भूरी कलर के हाथी बनाया गया है, भूरी, ये देखें इसके पैर में ये पायल पहनाया गया है, देख सकते हैं पत्थर का। और कैसे देख सकते हैं पूरा पत्थर को तराश के, पूरा पत्थर को घिस घिस के कैसे बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप। ये हाथी इसका एक ही दांत दिख रहा है, एक टूट गया, ये देखें एक टूट गया है इसका। और ऐसे ये देखें ऐसे एक लाइन से पूरी हाथी बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप। और इस साइड है अभी चलते हैं, एक फवारे जैसा बनाया गया है, और ये है गार्डन, और उस पर भी बहुत सारी हाथी हैं, वहाँ पर फवारे जैसा जो बनाया गया, वहाँ चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें गार्डन है बैठने के लिए तो पूरा, और दोनों साइड ऐसे ही है गार्डन है। मैं आपको अभी लेके चलता हूँ वहाँ पे, ये सामने देख रहे हैं, यहाँ लेके चलता हूँ आप लोगों को, ये देखें। और ये बाकी ये गार्डन है बैठने के लिए, और पूरा ये फूल लगाया गया, ये देख सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे और आप लोग आगे और दिखाते हैं आप लोगों को, ये देख सकते हैं ये यहाँ से ये रोड बनाया गया है पूरा, ये देख सकते हैं पूरा कितना खूबसूरत पूरा रोड बनाया गया है जाने के लिए वहाँ पर। अभी चलते हैं हम आप लोगों को वहाँ पे लेके चलते हैं। और ये देख सकते हैं दोनों साइड में ये खजूर जैसा छोटा छोटा जो पेड़ आता है वो लगाया गया है खूबसूरती के लिए इसके, ये देखिए आप लोग। और जगह जगह ये फूल बनाए गए, देख सकते हैं डिजाइन। और ये देखें यहाँ पे
ये शंख बनाया गया है, ये देखें। अब ये चल रहे हैं हम ऊपर, ये फवारे हैं, ये देख सकते हैं, आपको पास से दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये चारों तरफ से ये गोल राउंड ये रास्ते बनाए गए हैं, और बीच है ये देख सकते हैं हाथी है, ये फवारे, ये देखें ये फवारे दिख रहे हैं। और शाम के टाइम होता है तो इसमें से पानी निकलता है। ये जो हाथी का सूंड दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, इसके बीच से ये पाइप छोटा पार लगाया गया है, उसमें से पानी निकलता है और बीच से भी ऊपर निकलता है ऐसे, और बीच में लाइटिंग लगाई गई है, देख सकते हैं उसमें से रंग बिरंगी लाइटिंग निकलती है, जलती है लाइट, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। ये देख सकते हैं आप लोग, ये पानी के लिए पाइप भी लगाया गया है, ये पूरा इसमें से भी पानी निकलता है फवारे जैसा, ये देख सकते हैं आप लोग। और बीच में ये देख सकते हैं कोई अंदर ना जाए, तो ये सिक्योरिटी बैठे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसके चारों तरफ ये जो पोल है खम्बे, ये देख सकते हैं इस पर ये शंख बनाया गया है, ये देख सकते हैं पत्थर के। और बाकी इधर ये देख सकते हैं ये नोएडा सिटी है, ये देख सकते हैं आप लोग। बाकी ये देखें ये ग्राउंड की घास की कटिंग हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। इधर सब काम कर रहे हैं लोग, मजदूर लोग। और ये देख सकते हैं ये भी बहुत बड़ा हो गया है ये फूल, इसकी भी अभी कटाई होगी, देख रहे हैं आप लोग। और इसमें ये चारों तरफ से सीढ़ी बनाया गया है आने के लिए, आप किधर से भी आ सकते हैं। और अब हम चलते हैं इस सेम ऐसे ही है जो देख रहे हैं आप लोग, सेम ऐसे ही उस साइड भी, इसके ये जो देख रहे हैं स्मार्क, इसके उस साइड भी सेम वैसा बनाया गया है। अभी हम इधर से आ रहे हैं, ये देख सकते हैं इस वाले फवारे को आप लोगों को दिखाए थे, और सेम ही इस साइड भी है, ये देख सकते हैं। तो अभी हम इस साइड नहीं जाएंगे अब आप लोगों को ये दोनों, क्योंकि दोनों सेम है। और इसके आगे ये जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है वहाँ तक पूरा इसका गार्डन, अगर आपको पूरा गार्डन दिखना हो तो आपको वहाँ तक पूरा जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पे, तो पूरा नहीं जा सकते क्योंकि आगे तो पूरा गार्डन है, तो गार्डन क्या दिखाएं आप लोगों को, जो मेन था वो आप लोगों को दिखा दिए। देख सकते हैं ये जो फवारा है वो बहुत खूबसूरत है, और ये जो स्मारक बनाया गया है ये दलित स्मारक है, तो ये है। और ये देख सकते हैं ये फवारे है बस, और ये पूरा ग्राउंड ये देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना इंस्टाग्राम रील्स बनाने वाले हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जितने होते हैं सब यहाँ पे ज़्यादा रील्स बनाने के लिए यहाँ पे आते हैं, उसके लिए ज़्यादा ये फेमस है। बाकी चलिए अब चलते हैं यहाँ से। फाइनली गाइज यहाँ पे हमने आपको सब कुछ दिखा दिया, यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप लोगों को भी टाइम मिलता है नोएडा में, तो यहाँ पे नियर नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन है, उसके नियर बाई है ये। और यहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, वो है यहाँ की सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी जो प्राइवेट सिक्योरिटी होते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पुलिस वाले को रखा गया है, और यहाँ पे कुछ भी आप करते हैं तो आपको तुरंत पकड़ लेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग देखें एक इंसिडेंट हो गया था वहाँ पे, कुछ लड़के थे, वो लड़के कुछ बोल दिए थे, तो सभी उनको पकड़ कर यहाँ पे लाए थे। अभी यहाँ पे हर जगह पुलिस वाले घूम रहे हैं, तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। बाकी ये लोकेशन बहुत अच्छा है, और इसका टिकट प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 15 रुपये है, और 15 रुपये में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये बहुत बड़ा पार्क है, और घूमने के लिए बहुत अच्छा है, और शाम के टाइम यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, और फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हैं भाई, फैमिली के लिए भी ज़्यादा अच्छा ही है। तो अभी हम इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, और अब हम चलते हैं दूसरी लोकेशन पे जाएंगे हमें वीडियो बनाने के लिए। आज संडे है तो हम लोग संडे के दिन ही ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बाकी दिन ऑफिस रहता है हम लोगों का। तो अगर वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा हो, और हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और न्यू लोकेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय।